हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल फ्लेवर की बनी हुई पॉप्सिकल्स। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, घर में रखे हुए कुछ ही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिंपल सा 1.5 गिलास पानी ले लेना है। ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं है। अब हम इसमें शुगर डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। क्योंकि ये पानी ही है तो इसमें फ्लेवर और टेस्ट देना है तो चीनी डालनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए, शुगर हमारी बहुत ही अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुकी है। अब आइसक्रीम को फ्लेवर, टेस्ट और कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर ये पाइनएप्पल फ्लेवर का इमल्सन लिया है। ये बहुत ही ईजिली ऑनलाइन या बेकरी शॉप पर मिल जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर फ्रेश पाइनएप्पल भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो देखिए, 2 से 3 ड्रॉप ही मैंने डाला है, क्योंकि ज़्यादा डालने से फिर ये कड़वा लगने लगता है। या फिर आप इसमें टैंग वगैरह भी डाल सकते हैं यदि आपको डालना हो तो। यहाँ पर मैंने लिया है फ्रूट फ्लेवर की जेली, ये टॉफ़ी वाली जेली है। आप कोई भी यहाँ पर जो टेडी बियर वाली जेली आती है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों को देने के लिए एक ट्विस्ट टाइप का है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो यहाँ पर मैंने ये आइसक्रीम का मोल्ड ले लिया है। अब आप इसमें भर दें, इसे आप छोड़ दें फ्रीजर में 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट भी आप इसे दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से जमकर तैयार हो जाएंगी। घर में जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, जो मार्केट की आइसक्रीम खाने के लिए ज़िद करते हैं, इस तरह की आइसक्रीम आप उनको बनाकर घर की बनी हुई देंगे ना, तो आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और घर में बनी हुई है तो टेंशन भी नहीं रहेगी। और बच्चे से बहुत इन्जॉय भी करते हैं। मार्केट में ये मिलती तो हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम दाम में मिल जाती हैं, लेकिन घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप बच्चों को भी बोल सकते हैं तो इस तरह से वो अपने लिए आइसक्रीम बना लेंगे। इससे उनको बहुत खुशी भी होगी और ये थोड़ा सा फन वे पे भी हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे फ्रीजर में जमने के लिए। आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जम गई है, मैंने इसे ओवरनाइट के लिए ही रख दिया था। अब जब तक ये थोड़ी नॉर्मल ना हो जाए तब तक हम इसे बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि कैप ऊपर से निकल आएगी और आइसक्रीम ना निकल पाएगी। अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप सिंपल ग्लास में भी बना सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, या फिर आप इसके नीचे थोड़ा सा पानी डाल दें, ऊपर से बिल्कुल भी ना डालें। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारी पॉप्सिकल्स बन के तैयार हो चुकी हैं। बनाने में आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली हमारी बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल फ्लेवर की पॉप्सिकल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।